नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, 888 पोर्टल, लियो पोर्टल 8 अगस्त को खुला था, फिर खुला 17 अगस्त को, और अब खुलेगा 26 अगस्त को। 26 अगस्त जन्माष्टमी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता देवकी के 8वें पुत्र थे और उनका जन्म भी भद्रपदा मास के 8वीं तिथि पे ही हुआ था, और वो भी कृष्ण पक्ष में। वैसे कृष्ण पक्ष, इस पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष इसलिए ही रखा गया क्योंकि चंद्रमा ढलते समय में होता है, यानी कि पूर्णिमा के बाद जो ढलता पक्ष होता है उसे हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे कृष्ण पक्ष का ही नाम दिया गया है। तो समझ में हमें ये बात आती है कि देवकी के 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण, और वो भी 8वीं तिथि में पैदा हुए थे, और इस साल 26 अगस्त को, यानी कि 2 और 6 8, तो ये 9 साल बाद ऐसा मौका मिला है कि 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख को ये शुभ मुहूर्त तैयार होता है जहां हम मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को ऊपर उठा सकते हैं, अपने लिए नई चीज़ें मांग सकते हैं, अगले 9 सालों के लिए अपने लिए नई मुरादों को, नए विशेष को, नए इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम नई बाहर से जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो यूनिवर्सल पावर है, उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमें स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज इस 888 पोर्टल में हम क्या कर सकते हैं? जैसा कि हम सब ने 8 को और 17 को बहुत सारे रेमेडीज की थी और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठा लिया, 26 तारीख कृष्ण पक्ष भगवान श्री कृष्ण का है, यानी कि प्रेम। भगवान श्री कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं, उन्होंने प्रेम के मार्ग को समझाया था। तो रिलेशनशिप के मामले में ये 26 तारीख वाला पोर्टल बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो सबसे पहला जो रेमेडी है जो हम समझेंगे, वो रिलेशनशिप के बारे में ही समझेंगे। जिस किसी के रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही हो, या फिर रिश्ते को और खूबसूरत करना चाहते हैं, या रिश्ते में महक कम हो गया, रिश्ते में वो स्वाद कम हो गया है, रिश्ते धुंधले पड़ने लगे हैं, रिश्ते सिर्फ है लेकिन उसमें खुशबू कम हो गई है, तो ऐसे लोगों को दिया जलाना है तुलसी के पेड़ में। कौन सा दिया? जैस्मिन ऑयल से बना हुआ दिया। जैस्मिन का फूल होता है, उसकी ऑयल मिलते हैं मार्केट में, या कोई भी खुशबूदार तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या नॉर्मल सरसों के तेल में, या नॉर्मल तेल में जिसमें हम दिया जलाते हैं उसमें कुछ एसेंशियल ऑयल डाल दिया, चंदन का या जैस्मिन का, खुशबूदार तेल का दिया हमें तुलसी में जला करके रखना है। तुलसी माता को हम लक्ष्मी माता का ही स्वरूप मानते हैं, और लक्ष्मी माता का स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण यानी कि नारायण की प्रियसी हैं, उनकी पत्नी हैं। तो प्रेम को बढ़ाने के लिए हम खुशबू के दिए में को जलाते हैं, जिससे खुशबू फैलती है और रिश्तों में खूबसूरती आती है, खुशबू आती है। जब ये रेमेडी कर रहे होंगे उस समय जिसने भी करना है वो अपने रिश्ते के बारे में विचार करते हुए, अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए, अपने रिश्ते को, अपने जिस रिलेशनशिप को भी आप खूबसूरत महकाना, खूबसूरती से महकाना चाहते हैं, उसका ध्यान करते हुए, ये सोचते हुए, ऐसी कामना करते हुए कि मेरा रिश्ता बेहद खूबसूरत हो रहा है, खूबसूरती से भर रहा है, महक से भर रहा है, ये कामना करते हुए वो दिया माता तुलसी में समर्पित करना है, डाल नहीं देना है, दिया जला करके रखना है। दूसरी रेमेडी, जिनका कैरियर रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, या कहीं तक पहुँच के रुक गया, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई बिजनेस है जो कहीं तक पहुँच चुका है लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो ये रेमेडी कर सकते हैं। 8 कन्याओं को या 8 माताओं को भोजन कराएं, ध्यान रहे, या तो 8 कन्या यानी कि कुमारी कन्या, या फिर 8 माताएं यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, तो वैसे या तो कन्याओं को ही लेंगे या तो माताओं को ही लेंगे, और अपने उस कामना को करते हुए, जो चीज़ आप चाहते हैं अपने करियर को लेकर के, उस कामना को करते हुए उन्हें प्रेम से भोजन कराएं, अपने घर बुला करके, या किसी भी तरीके से आप उनके लिए भोजन का व्यवस्था करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर ये करना मुश्किल है तो आप सफ़ेद मिठाई खिला सकते हैं, सफ़ेद रंग की जो भी मिठाई हो सकती है, 8 कन्याओं को या 8 माताओं को ये मिठाई खिला सकते हैं,
भोजन कराएंगे तो एक दिन कराना, और मिठाई खिला रहे हैं तो अगले 8 शुक्रवार ये करना, 8 शुक्रवार तक इसी कामना के साथ मिठाई खिलाना। 8वां शुक्रवार आने से पहले ही आपका काम हो चुका रहेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन 8 कंप्लीट ज़रूर करना। और सुनने में ये डाउट आ सकता है कि ये अष्टमी तो सोमवार पड़ रहा है, मंडे पड़ रहा है, तो शुक्रवार को क्यों करना है? नहीं, ऐसे उपायों को शुक्रवार को करें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र वीनस प्लैनेट जो है प्रॉस्पेरिटी देने वाला ही है। तो सोमवार से भले शुरू करेंगे, लेकिन इसको शुक्रवार को ही कंटिन्यू करेंगे, 8 शुक्रवार। तीसरा है फाइनेंशियल एबंडेंस के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बैंक बैलेंस चाहते हैं, धन की बढ़ोतरी चाहते हैं, फाइनेंशियल एबंडेंस चाहते हैं। तो पीताम्बरधारी, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी अभी एक नाम दिया गया, क्योंकि वो बिल्कुल पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, गोल्ड पहनते हैं, सुंदर दिखते हैं। तो पीताम्बरधारी भगवान को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग का चावल, पीले रंग का वस्त्र आप भेंट करें, और तुलसी में घी का दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के, या तुलसी का जो चौड़ा होता है, जो तुलसी घर में चौड़ा बनाते हैं, उसमें 8 परिक्रमा करें और अपने लिए ये कामना करें। इस मुहूर्त पर इस तरह की कामना करने से वो तुरंत पूरी होती है, ये ध्यान रखें, क्योंकि हम ये कामना तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुहूर्त पर इस तरह की कामना करने से वो बहुत जल्दी पूरी होती है, तुरंत उसका इफ़ेक्ट मिलता है। जो लोग मंत्र जानते हैं, मंत्र इंचेंटमेंट करना पसंद करते हैं, उनके लिए 8 परिक्रमा करते हुए जो मंत्र है, भगवान नारायण का मंत्र आप जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र अगर आप कर पाएँ तो हर एक परिक्रमा के साथ एक बार ये मंत्र पढ़ें, जिससे आपके अंदर मंत्रों की भी शक्ति जागृत होगी। चौथी रेमेडी है मोर पंख। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोर के पंख को घर लेकर आएँ। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मोर पंख, जो वो हमेशा अपने मुकुट में धारण करते हैं, मोर पंख लेकर आएँ। ये आपके जीवन में अल्टीमेट हेल्थ और ब्यूटी लेकर के आएगा। हेल्थ और ब्यूटी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कि जो जो स्वस्थ है वही सुंदर दिख सकता है, जो सुंदर है वो स्वस्थ होगा ही। तो बेहतर स्वास्थ्य, बेहतरीन स्वास्थ्य और सुंदरता को लेकर के आने के लिए आप घर में मोर पंख लेकर आएँ, और जन्माष्टमी के दिन से ही उसकी पूजा शुरू करें, अगले जन्माष्टमी तक 1 साल की प्रक्रिया होगी, जिससे आपके जीवन में राहु का प्रकोप एकदम से कम हो जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। हमारे कर्म कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं जिसके वजह से राहु डोमिनेट करने लगता है हमारे प्लैनेट्स को, हमारे राशियों को। तो मोर पंख की इस पूजा से राहु का डोमिनेंस कम होगा और जिंदगी में आपके घर में स्वास्थ्य और सुंदरता आएगी, और मोर पंख अबेंडेंस मतलब कि खुशियाँ, खुशहाल जीवन का भी प्रतीक है, तो आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी। मोर के पंख की पूजा करने के लिए अगर आप लोगों को कोई मंत्र या श्लोक जानना चाहते हैं, तो ये श्लोक है जिसकी जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसको आप इंचेंटमेंट कर सकते हैं, और ना भी करें तो सच्चे मन से पूजा करें, ये भी पर्याप्त है। बहुत लोगों को मंत्र शक्ति बहुत अच्छी लगती है, मंत्र जाप करना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये मंत्र है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 5वां और आखिरी रेमेडी जो आप करेंगे वो ये है दान। जी हाँ, दान का हर धर्मों में महत्व समझाया गया है, लेकिन दान क्या होता है? दान वह होता है जिसको करने के बाद आपको कोई फर्क ना पड़े, इनफैक्ट सिर्फ खुशी मिले। त्याग की भावना नहीं आनी चाहिए कि अपना काट कर दे रहे। कई बार ऐसा होता है, लाखों की संपत्ति होने के बाद भी, लाखों रुपए होने के बाद भी 100 रुपए का दान करके भी त्याग की फीलिंग आती है, और किसी के पास 1000 रुपए ही है लेकिन वो फिर भी 300 रुपए दान कर दे रहा है और उसको दान की फीलिंग आ रही है। तो उतना ही दान करना जिसमें आपको दान की फीलिंग आए, आपको लगे कि आप किसी को कुछ दे रहे हो। और कभी भी दान यह सोचकर ही करें कि आप परमात्मा को खुश करने के लिए कर रहे हो, परमात्मा के लिए दान कर रहे हो, परमात्मा को नहीं, परमात्मा के लिए दान कर रहे हो, परमात्मा की तरफ से आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो ये खुशियाँ आपको 100 गुना होकर वापस मिलेगी। तो जन्माष्टमी के दिन दान ज़रूर कीजिएगा, जो आप कर सकते हैं, गाय को चारा, कुत्तों को रोटी, भूखों को खाना, या थोड़े पैसे किसी अच्छी संस्था में जहाँ आपके पैसों की ज़रूरत है, किसी मंदिर में आप दान करें, ज़रूर करें। इसके बाद जो आप करेंगे या कर सकते हैं वो है फास्टिंग, उपवास। उपवास मतलब परमात्मा के चरणों में
वास करना। ऐसे शुभ मुहूर्त पर उपवास रखना बहुत अच्छा होता है। जब शरीर मिट्टी से खाली होता है, यानी कि खाना जैसे हम मिट्टी कह रहे हैं उससे जब खाली होता है, तो हमारे शरीर में, हमारे ऑरा में, हमारी आत्मा में वो परम शक्ति उतर पाती है। तो ब्रह्मांडी चेतना, ब्रह्मांडी प्राण ऊर्जा हम पे उतर पाती है, जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। जन्माष्टमी में, अष्टमी में लोग उपवास रखते ही हैं। हिंदू धर्म में तो बच्चे बच्चे तक उपवास रखते हैं। तो आपसे जितना हो सके उतना अच्छा उपवास रखने की कोशिश कीजिएगा। पानी पीते रहें, पानी पी सकते हैं, निर्जला रखने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे अगर आप फास्टिंग कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाएगा और आपके जीवन में ये प्राण ऊर्जा, ये चेतना बनी रहेगी। साथ में हीलर्स क्या कर सकते हैं, अपने क्रिस्टल्स को उस दिन चार्ज ज़रूर करें। अपने क्रिस्टल्स को पहन कर, अगर तुलसी की माला है, रुद्राक्ष है, उसके साथ मंत्र जाप अगर करते हैं तो मंत्र जाप ज़रूर करें, या माला को पहन करके अपनी हीलिंग प्रैक्टिस करें, है ना। अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करें, सनलाइट में, मून लाइट में चार्ज करें अपने क्रिस्टल्स को। जो भी आप हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी साधना आप कर रहे हैं, उन्हें धारण करके, उन्हें पहन करके करें, जिससे उसमें उसके आपकी ध्यान की, आपकी साधना की ऊर्जा आ जाएगी। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि क्रिस्टल्स में अपनी ऊर्जा नहीं होती, वह एक बैटरी की तरह उस तरह की ऊर्जा को धारण करने के लिए समर्थ होता है। तो इस तरह से आप हीलर्स अपनी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। आशा करता हूँ आज का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लियो पोर्टल आखिरी है, 26 अगस्त को, जन्माष्टमी को, उसके बाद 9 साल बाद मिलेगा ऐसा अवसर। तो ज़रूर से अपने लिए अच्छी इच्छाएं रख करके ये रेमेडी करिएगा। और जो 2, 8 तारीख को और 17 तारीख को जो रेमेडीज़ बताए हैं, वो रेमेडीज़ को भी आप कर सकते हैं। उन रेमेडीज़ की जिक्र नहीं की गई क्योंकि पहले बताया जा चुका है। और इस तरह के मुहूर्त हिंदू कैलेंडर के अनुसार आते हैं, हिंदी कैलेंडर के अनुसार आते हैं। तो हो सकता है 9 साल बाद भी ऐसा कोई मुहूर्त ना आए, मुझे नहीं पता है, है ना। 8 अगस्त तो आएगा ही, लेकिन 2033 में 8 अगस्त तो आएगा ही, लेकिन इतने सारे मुहूर्त ना आए। तो इस बार ये मौका है तो हम ज़रूर कर लेंगे, है ना जी। तो आशा करता हूँ आज का ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।